प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या एक, बिंदुओं के निम्नलिखित यहाँ पे युग्म दे रखे, इनके बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले इस सवाल को आईएमपी लगा लेना, इसको आईएमपी लगा लेना, इन तीनों को आईएमपी लगा लेना, और पहले वाले को तो मोस्ट आईएमपी लगाना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनकी दूरी ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। सबसे पहला सवाल है आपके पास में, दो और तीन कितना दे रखा है, दो और तीन, और दूसरा दे रखा है चार और एक। ठीक है, आप लिखेंगे माना कि P दो तीन और Q क्या है आपके पास में, चार एक। ठीक है, तब लिखोगे आप यहाँ पे, तब क्या लिखोगे, तब आपके पास में X1, देखिए X1 क्या आएगा, दो, सबसे पहले X1, फिर आपके पास में Y1, ये कितना आ जाएगा, तीन, फिर X2, Q के पास आओ, इसके पास सबसे पहले क्या है, चार, फिर Y2, इसके पास सबसे पहले क्या है, एक, ये सारे मान आ गए। अब आप यहाँ पे दूरी सूत्र लगाओ, दूरी सूत्र है PQ अंडर रूट, सबसे पहले आपको लिखना है X2, फिर लिखना है X1, फिर स्क्वायर लगाना होल वाला, फिर प्लस, फिर लिखना है Y2, फिर लिखना है माइनस Y1, फिर लगाना होल स्क्वायर। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं, ये PQ का PQ, अंडर रूट का अंडर रूट, X2 का मान कितना, चार, माइनस का माइनस, X1 का मान कितना, दो, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, Y2 का मान कितना, एक, माइनस का माइनस, Y1 का मान कितना, तीन, ये देखिए तीन मैंने लिख लिया, तीन, ऊपर कितना स्क्वायर, PQ का मैंने वापस PQ, रूट का मैंने रूट टू रूट लिखा, चार में से दो गए, कितने बचे, दो, ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, एक में से तीन जाती नहीं, माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, तो घटाओ इसको, तीन में से एक गया, कितना बचा, दो, माइनस की संख्या बड़ी, इसको भी माइनस का चिन्ह दे दो, ऊपर स्क्वायर लगा लो, PQ का PQ बराबर रूट का रूट, दो का स्क्वायर चार, प्लस का प्लस, माइनस दो का स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए कोई चिन्ह लगाना ही नहीं, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे आपको एक माइनस तीन क्या है, माइनस दो लिखा, फिर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर जैसे आएगा माइनस की संख्या क्या हो जाएगी, प्लस की, दो का स्क्वायर चार, दो का माइनस दो का स्क्वायर भी चार। वापस यहाँ पे लिखो PQ, चार प्लस चार क्या कितना आया, आठ, ठीक है, चार प्लस चार आठ, आठ आ गया। अब इस आठ के हम करेंगे टुकड़े, ठीक है, दो गुणा दो गुणा दो, दो गुणा दो चार, चार गुणा दो आठ, आठ आ रहे हैं। अब देखिए वापस मैंने लिखा यहाँ पे PQ, क्या लिखा, P और Q, PQ बराबर लगाया। अब देखिए जोड़िया बनाओ, एक जोड़ी बनी, एक दो बार आया, जोड़ी बन रही, नहीं बन रही, नहीं बन रही तो उसको अंडर रूट में रहने दो, रूट दो, यहाँ पे लिखना आपको ई का ई, इसका कोई मात्रक नहीं दे रहा, इसलिए इकाई, और क्या लिखोगे, उत्तर आ गया, उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा भी करेंगे और तीसरा भी करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हुआ आपका पहला सवाल, अब हम करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दे रखा है आपको माइनस पांच, सात, माइनस पांच और सात और एक और तीन, माइनस एक और तीन, यहाँ पे लिख रहा हूं दूसरा सवाल वापस, माइनस पांच सात और दे रखा माइनस एक और तीन। आप यहाँ पे लिखेंगे माना कि, माना कि P माइनस पांच सात और Q माइनस एक और तीन, इनको P Q नाम दे दिया हमने, ठीक है, तब तब X1 बराबर माइनस का पांच, Y1 बराबर सात, X2 बराबर माइनस का एक, Y2 बराबर तीन। सबसे पहले X1, फिर ये Y1, ये X2, ये Y2, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र में वापस PQ लगाओ, फिर रूट लगाओ, यहाँ लिखो X2 माइनस X1 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाओ, फिर लिखो Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को लिखने के बाद इनके मान रखने, X2 का मान X2 की जगह, Y2 का मान Y2 की जगह, X1 का मान X1 की जगह और Y1 का मान Y1 की जगह। मैंने यहाँ पे वापस P और Q लिखा और बराबर लगाया, अंडर रूट लगाया, X2 का मान कितना, माइनस एक, माइनस एक, ये सूत्र का माइनस, ये सूत्र का माइनस,
ये x1 माइनस का 5 है। देखिए अब आपको यहाँ पे माइनस के 5 को कोष्टक में लिखना है, इन कोष्टकों को बड़ा वाला कोष्टक बना देना है। ये बना दिए, -5 कोष्टक में आ गया। ये तो x2 का मान -1 था, ये सूत्र का माइनस, और ये x1 का मान -5, ऊपर कितना है स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर y2 का मान कितना 3, सूत्र का माइनस, y1 कितना 7, ऊपर स्क्वायर। देखिए PQ बराबर रूट, देखिए -1 का -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 ऊपर स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 गए, 3 में से 7 गए 4, बड़ी संख्या माइनस की 3, माइनस का ऊपर स्क्वायर। देखिए PQ का रूट -1 में से 5, 5 माइनस 1 के रहे माइनस, प्लस माइनस 5 में से 1 गया कितना 4, ऊपर स्क्वायर, प्लस -4 का स्क्वायर। अब वापस PQ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस के ऊपर स्क्वायर आती प्लस बन जाता है, ये याद ध्यान रखना है। फिर देखिए 16 और 16 को जोड़ा कितना आया, 16 और 16 रूट ऊपर है ही है, 16 और 16 32। अब 32 के हम टुकड़े करेंगे, ये मैंने लिखा PQ, 32 के टुकड़े होते हैं, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार लिख लीजिए, और नहीं आता है तो 32 को ऐसे यहाँ पे लिखना है साइड में रफ में, फिर गुणनखंडन विधि लगानी है, 2 2 का भाग जा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, 5 बार आया। ये देखो मैंने भी लिखा है यहाँ पे 5 बार। अब हम यहाँ पे बनाएंगे जोड़िया, क्या बनाएंगे जोड़िया, एक जोड़ी एक दो बार, दो जोड़ी एक और दो बार, एक अंडर रूट में PQ का PQ, 2 का गुणा 2 से 4, अंडर रूट का अंडर रूट 2 का 2, ये आपका इकाई में उत्तर आया। ठीक है, ये आपका उत्तर, धन्यवाद। अब एक लास्ट सवाल और बचा है, ये आपका AB वाला, AB -A और माइनस का B, इसको हम और सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा इस सवाल को करने वाले हैं AB -A और -B। तीसरा सवाल, AB -A और माइनस का B। ध्यान से देखिएगा, आपके पास में माना कि PAB और Q हो जाएगा आपके पास में -A और माइनस का B। तब X1 बराबर A आ जाएगा और Y1 आपका आ जाएगा B, X2 आ जाएगा आपके पास में माइनस का A और Y2 आ जाएगा आपके पास में माइनस का B। ये सारी चीजें आ गई। अब हम यहाँ पे लगाएंगे दूरी सूत्र, सबसे पहले लिखा PQ, फिर रूट X2 माइनस X1 स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर, अंडर रूट लगाओ पूरा, PQ लिखो, अंडर रूट लगाओ, X2 का मान कितना -A, फिर ये बड़ा कोष्टक लगाना, इसको कोष्टक के अंदर बंद करना क्योंकि माइनस की संख्या है, फिर सूत्र का माइनस, फिर X1 कौन सा ए वाला ए, फिर बड़ा वाला कोष्टक, इसको छोटे कोष्टक में बंद कर दो, ऊपर स्क्वायर, प्लस Y2 का मान -B, इसको लिखो -B, फिर सूत्र का माइनस, फिर Y1 B, फिर ऊपर क्या है स्क्वायर, या अपना स्क्वायर। देखिए PQ का PQ, रूट का रूट, और -A और ये भी माइनस का है, छोटा कोष्टक स्क्वायर, प्लस माइनस का B और ये भी माइनस का, ऊपर स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, इसलिए माइनस क्या है PQ का PQ, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि A और A दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस देंगे चिन्ह किसका, माइनस का, ऊपर क्या स्क्वायर, प्लस का प्लस, माइनस माइनस प्लस यानी दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन आएगा माइनस का 2B, बी और बी 2B, माइनस का 2B स्क्वायर। PQ का PQ बराबर रूट 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस, और A का स्क्वायर A प्लस 2 का स्क्वायर 4, और B का स्क्वायर B, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। PQ का PQ बराबर रूट, दोनों में 4 कॉमन है, देखो दोनों में 4 है, 4 को बाहर ले लिया, अंदर बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया A स्क्वायर प्लस का प्लस, 4 बाहर आ गया B का स्क्वायर,
ठीक है, पी क्यू का पी क्यू बराबर दो के मैं चार के मैं टुकड़े करता हूँ, दो गुणा दो, ये कोष्टक ये वाली चीज सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जोड़ी बनाते हैं, पी क्यू बराबर जोड़ी बनाओ, दो बाहर आया हमारे पास में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आपका क्या हो गया इकाई में उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले सवालों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।